चाहिए। अभी भी आवाज आ रही है। And water of steam flows at the rate of water speed of water ले लेते हैं that is 5 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है speed of boat going up stream। इससे जरूरी नहीं है कि वो आप स्ट्रीम का स्पीड पूछा जाएगा आपसे that can be the speed of down stream also can be asked। तो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पता होंगे। अब बोट की जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर और जो वाटर की स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ही जस्ट स्टैंड अप ओवर फ्रॉम हियर बोट लगा वन स्टैंड अप। यहां से क्या आ जाएगा x किलोमीटर पर आवर एंड रादर ही सम टू दिस साइड एंड सिट ओवर देयर। अब स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है आपने ये ध्यान रखना है कि बोट की स्पीड हमेशा वाटर की स्पीड से ज्यादा हो। ठीक है, तो जब हम उसको ले रहे हैं कि वाटर और बोट ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड आप माइनस हो। ठीक है, एंड व्हेन दे आर मूविंग इन टू द ओपोजिट डायरेक्शन इट मीन्स हम उसको क्या कहते हैं अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एक पहाड़ी पे आप खड़े हो, पहाड़ी से नीचे उतरते हो, जब आप नीचे की तरफ आते हो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड कब बढ़ेगी जब दोनों को ऐड करते हो। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर की तरफ आप चढ़ रहे हो, जितनी आप अपनी फोर्स उस पे अप्लाई कर रहे हो चलने के लिए पावर जितनी यूज कर रहे हो रिजल्टेंट हमेशा उससे थोड़ा सा लेस होता है, कम हो रहा है भी, दोनों को क्या करोगे माइनस। तो पहाड़ी पे चढ़ रहे हो अपस्ट्रीम माइनस करना है, पहाड़ी से उतर रहे हो डाउनस्ट्रीम क्या करना है प्लस करना है। तो अपस्ट्रीम में बोथ द स्पीड्स के भी दोनों का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है इन एंड इन द डाउनस्ट्रीम दोनों स्पीड को आप क्या करोगे दैट विल बी एडेड। और एडेड और सबट्रैक्शन में हमेशा आपने इस चीज का ध्यान रखा है कि स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्टिल वाटर से ज्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ बोट में से आप स्पीड ऑफ वाटर जो है वो सबट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका अपस्ट्रीम का है तो क्या आएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट गोइंग अपस्ट्रीम। हाँ जी, यही आंसर आ जाएगा कि वन अपॉन वगैरह कुछ करके वाई वन y वन अपॉन दो हुआ सेइंग वन अपॉन उससे सिंपली स्पीड ऑफ बोट पूछा है गोइंग अप स्ट्रीम स्पीड इन वन आर या मतलब जो भी टाइम अकॉर्डिंगली गिवन है उसके अकॉर्डिंगली नहीं पूछा। ये हमें वन आर की स्पीड गिवन है कि x माइनस y किलोमीटर को वन आर में कवर कर रहा है। पॉइंट ए गिवन है हमें 0.2, पॉइंट बी हमें गिवन है 3.3 एंड पॉइंट सी इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इक्विडिस्टेंस का मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसमें ये ध्यान रखना है अगेन एंड अगेन आई यूज टेल दिस कि अगर वो इक्विडिस्टेंस गिवन है दिस डज नॉट मीन कि ए जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी। तो वो वाला कंसेप्ट आपने नहीं लगाना है। मे बी ऑप्शन में उसपे बना के उन्होंने आंसर दिया हो तो आपने वो नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है डिस्टेंस आपको इक्वल गिवन है वो हमें मिड पॉइंट नहीं गिवन है। कहीं भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट मेंशन नहीं है तो आपने जनरल लेके चलना है। जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे तो वो मिड पॉइंट बनेगा। पॉइंट कैन बी नॉन कोलिनियर ऑल्सो तो आपने नॉन कोलिनियर वाला कंसेप्ट भी यूज करना।
तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी क्या आते हैं, व्हाट इज ए बी, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, दिस इज 3 माइनस 0 होल स्क्वायर is equal to AC is 9. ये रूट कट गया, क्या रह गया, 9 प्लस p माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये कट गया, क्या रह गया, इधर a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे क्या आएगा, दो कट गए ऑन द बोर्ड, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p इक्वल टू p स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, 4 माइनस 4p इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 1. Now the next question. If sine square theta plus cos square theta upon 7 then find x. अब इसमें भी सेम क्वेश्चन जो है वो आपका वो इस तरीके से आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो आपने क्या करना है, पहले उसका एलसीएम लेके सिंगल को ले आओगे, जैसे आपका गिवन था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज थ्री वाज योर हमें क्या गिवन है, tan A is root B, tan A किसके इक्वल होता है, P upon B के, या आप यहाँ से सीधा ले सकते हो, tan A root 3 वैल्यू कहाँ पे होती है, तो एंगल A कितना आ गया आपका 60 डिग्री, and then we were to find out the value of cos square A minus sin square A, वैल्यू पुट करो क्या आंसर आएगा, cos square A 1 by 2 cos 60 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू है 2 3 cos square, sin 60 is 3 cos, so this is 1 by 4 minus 3 by 4 ठीक है, सेम क्वेश्चन, या एक मिनट, जो भी ऑप्शन होगी दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर, ओके, डोंट डिस्कस दैट नाउ, सेम क्वेश्चन, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, यहाँ पे इट कैन बी बी, तो ए आपके पास नाइनटी आ गया, बी आपको पता है नाइनटी डिग्री, सी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, बी हमें पता है 90 है, सी निकालने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, तो कॉस करें सीधा लिख दिया मैंने 1/4 यहाँ पे 1, तो आंसर विल बी सेम क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है, तो सी आपकी काट लोगे, तो राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल गिवन है तो आप निकाल के यहाँ वाला एंगल ध्यान से लेके चलोगे, यहाँ ध्यान से देखना कि क्या आपको गिवन, जरूरी नहीं है ये दोनों सेम होंगे, अलग अलग भी आ, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ट्विस्ट देके क्वेश्चन आपको लगता है कि टफ हो गया है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेकेंट थीटा इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, हां जी 0 कहते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इज 0, तो टेन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, तो 0 आपका आंसर आ गया, उसके बाद इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3
then find the value of 10 square theta plus cot square. तो इस तरह की क्वेश्चन आपके सबसे इजी होते हैं. आपको tan और cot प्लस में गिवन है और पावर यहाँ आपको गिवन है. तो स्क्वायर था यहाँ पे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपने निकाल लेना था. क्या आना था? 7 tan theta और cot theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट हो के ये प्लस 2 ये एज इट इज 7 आता है. ठीक है जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.